हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस के एक और न्यू और ज़बरदस्त वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर शेक, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और ये आपको सर्दियों में ठंड से बचाएगा। स्पेशली जो कि बच्चे दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, उनको ये शेक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और बच्चों के अलावा इसे बुज़ुर्ग लोग, कोई भी, चाहे वो मेल, फीमेल, जवान, बुढ़े, बच्चे, हर कोई, हर एज का व्यक्ति इसको पी सकता है। और आप इसे एक बार बना के रख लें तो आराम से 1 से 2 महीने 3 महीने तक आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं ये काजू, जिसको कि मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और फ्रेंड, अब लिया है मैंने ये 1 कटोरी छुआरे, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और फ्रेंड, तीसरे नंबर पे मैंने लिए हैं ये 1 कटोरी बादाम। ये हमारी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फ्रेंड्स, अब लिया है मैंने 1 कटोरी सूखा नारियल, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स, पांचवे नंबर पे हम लेंगे मखाने। और फ्रेंड्स, जो मखाने हैं इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, तो आप इस ड्रिंक में जो मखाने हैं वो ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग और कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लेंगे कोई भी एक पैन या कोई भी एक कढ़ाई, जो भी आपके घर में एक खुले मुँह का बर्तन अवेलेबल हो, जिसमें हम ये सभी चीज़ें अच्छे से भून सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। और आप यहाँ पे देसी घी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार और कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मखाने और इनको हम रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि इनका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। और जो गैस का फ्लेम है उसे हम रखेंगे लो टू मीडियम, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज़ जो हमारे ये मखाने हैं ये जल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको सर्दी में गोंद कमरकस के लड्डू बनाने हैं, आपको अलसी के लड्डू बनाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बनानी है, आपको मखाने की खीर बनानी है, या ऐसे ही अनेकों डिश मैंने अपने चैनल पे दे रखी हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आपके किचन में यूज़ होने वाली बहुत सारी यूज़फुल वीडियो के, आप पीनट बटर कैसे बना सकते हैं, आप सफल मटर घर पे कैसे बना सकते हैं जो फ्रोज़न मटर होती है, और ऐसे ही और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियो, और चाहे वो आपकी होम रेमेडी हो, ये सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट, सभी वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ये सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारे जो मखाने हैं ये भुन चुके हैं, तो इन्हें हम पैन से बाहर निकालेंगे और वापस से अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देसी घी का ही यूज़ करें, क्योंकि जो देसी घी होता है ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप किसी भी तेल का यूज़ यहाँ पे ना करें, अदरवाइज़ इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब हम जो हमारे जितने भी बचे हुए ड्राई फ्रूट थे, जो हमने बारीक चॉप करके रखे हुए थे, ये सभी डाल देंगे। और इसको भी हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक इसको भूनेंगे, जब तक इसका बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये काम आपने ध्यान से करना है, अदरवाइज़ अगर आपके ड्राई फ्रूट जल जाएंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट हैं, मैंने इसमें मखाने भी ऐड कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो एक मैंने ग्राइंडर का जो जार ले लिया है और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और अब इनको पीस लेंगे, इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा
पाउडर है ये बनके तैयार है। तो जो हमने ये ड्राई फ्रूट जो भून के रखे हैं, ये जो पाउडर बेस है, आप किसी भी फॉर्म में आप इसे एक बार तैयार करके रख लें और आप इसे पूरे विंटर का जो सीज़न होता है आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है नहीं और हमने इसको देसी घी में भून लिया है, तो ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं हमारा शेक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो लिए हैं मग और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ये गुड़। तो जो गुड़ है इसके फ़ायदे तो हम सभी लोग जानते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में होता है आयरन और ये हमारे जितना भी हमारा जो पाचन तंत्र है इसको दुरुस्त करता है। तो आप इस ड्रिंक में गुड़ का ही यूज़ करें और अगर आपके बच्चे गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें उनके लिए चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम दूध। जो दूध है ये हमारा अच्छा गरम होना चाहिए और जो ये फ्रेंड जो शेक है इसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक में मैं डालूँगी ये पाउडर जो कि हमने तैयार करके रखा था, तो आप एक से डेढ़ चम्मच शेक में अच्छे से डालें और घोल लें और आपका शेक बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा कितना इजी है इसको बनाना। जब भी आपको बनाना है बस आप ये पाउडर तैयार करके रख लें, गरम दूध लें और इसमें पाउडर डालें, आपका शेक बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड जो दूसरा तरीका है, तो इसमें जो ये मैंने बारीक चॉप करके जो ये ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे थे हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। जो पाउडर बेस है ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए ठीक है, जो यंग लोग हैं वो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, आप इसको जैसे भी खाएं ये आपके शरीर के लिए हेल्दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये आज का वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप इसे दिन में एक बार या दो बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सर्दियों में ठंड से बचाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।